गर्भ गीता के अंतिम संवाद में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बहुत महत्वपूर्ण जीवन में मोक्ष किसे प्राप्त होता है, कौन ब्रह्म में लीन हो जाता है, जीवन में गुरु की महिमा के बारे में प्रश्न करते हैं। आइए यही मुख्य संवाद आज अपने शिष्य को सुनाएं। हे जगत गुरु, गुरु दीक्षा के विषय में कृपा कर बताएं, गुरु की महिमा की व्याख्या करें। श्री कृष्ण उवाच, हे धनुर्धारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो, हे पार्थ, सदाचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसे ही गुरु बनाना चाहिए। अपने गुरु की देखरेख में ही मेरी पूजा करनी चाहिए। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। भगवान कहते हैं, सन्यासी कोई जाति नहीं, सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वही ब्राह्मण है, वही मेरा भक्त है, वही सद्गुरु है। मेरे बच्चे, देखो भगवान कितने साफ शब्दों में बताते हैं कि सन्यासी कोई जाति नहीं, बल्कि कर्म से सदाचारी और ईश्वर भक्ति में लीन हो, वही ब्राह्मण है, वही सन्यासी है, वही सद्गुरु है। और अगर तुम ऐसे गुरु ना पाओ तो सारे संसार के गुरु भगवान जगन्नाथ है, उन्हीं को गुरु मान अपना कार्य करना। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब तुम जीवन में सद्गुरु को पा लो तो फिर उनके आदेश अनुसार आचरण करना। वे कहते हैं, जिस प्रकार मदिरा पात्र के समीप गंगा जल भी अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख अर्थात जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का भजन भी अपवित्र रह जाता है, वह कूकर, सूकर, गदर्भ आदि योनियां पाता है। हे कौनते, मेरी भक्ति के इच्छुक व्यक्ति को गुरु दीक्षा करनी चाहिए। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी व्रत और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, वैसे ही गुरु सेवा श्रेष्ठ है। जो गुरु की सेवा करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात भगवान बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु के सानिध्य में ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। व्यक्ति किसी महान इंसान या स्वयं भगवान को प्रेरणा स्रोत मान के चले, तभी वो स्वयं महान बन सकता है और समाज का उद्धार कर सकता है। हे मेरी संतान, हमारे स्कंद पुराण में भी सूत जी द्वारा रचित अति पावन गुरु गीता में देवी पार्वती जब भगवान शिव से पूछती है कि किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, गुरु ही ब्रह्म है। सद्गुरु के चरणों की सेवा से भक्त सभी पाप मुक्त हो विशुद्ध आत्मा बन जाता है, ब्रह्म भाव में लिप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, माँ को भी प्रथम गुरु की श्रेणी दी गई है। मैं भी पद की गरिमा को स्मरण रख तुम्हें श्रेष्ठ आचरण की शिक्षा दूंगी, तुम्हें एक ही बात समझाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने हर समय सद्गुरु की बात कही है, सद्गुरु कैसे होने चाहिए वह भी बताया है, इसलिए तुम सदैव याद रखना। आज के समय में किसी भी आडंबर में कभी ना फंसना। तुम जानते हो हमारी संस्कृति में भगवान दत्तात्रेय जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे, जो कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र आदि थे, उन्होंने उन सभी से शिक्षा लेकर परम ज्ञान को पाया था। यह प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि अगर हम सीखना चाहें तो आसपास की प्रत्येक वस्तु हमें सिखाने के लिए मौजूद है, उसके लिए हमें दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु यह अति आवश्यक है कि किसी को गुरु रूप में चुनो तो उन्हें भली भांति जांच लेना। जीवन में एक गुरु दीक्षा होनी चाहिए, इसलिए कभी भी किसी को गुरु मत बनाना। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि गुरु अपने शिष्य की जीवन भर पल पल में परीक्षा लेते हैं, परंतु शिष्य को भी गुरु बनाने से पूर्व उन्हें परखना चाहिए। स्वामी जी ने भी उस समय रामकृष्ण परमहंस जी को गुरु रूप में स्वीकार करने से पूर्व उनसे अनेक सवाल पूछे थे, जो उन्होंने पहले भी कईयों से पूछे थे, परंतु जब रामकृष्ण परमहंस जी के उत्तर उनके मन में ज्ञान की ज्योति जला पाए, तभी उन्होंने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ तुम भी अपने जीवन में किसी को गुरु रूप में बनाने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह जांच परख कर ही मानना। यह जीवन अमूल्य है, इसका उपयोग श्रेष्ठतम करना। और एक और बात, स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपनी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं
कि गुरु के समीप अगर तुम अपने आप को बहुमूल्य हीरा ना बना पाए तो सदगुरु पाने का क्या फ़ायदा, और अगर बना लिया और फिर दूसरों को नहीं बनाया तो फिर तुम्हारे बनने का क्या फ़ायदा। जैसे उन्होंने स्वयं मथुरा के विरजानंद जी से दीक्षा पाकर अपने आप को सोने के समान तपाकर अपने व्यक्तित्व में अभूतपूर्व निखार लाए और फिर पूरे भारत में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, जिससे आज भी लोग प्रेरणा पाते हैं। मेरे बच्चे, हमारे देश के सभी महापुरुष जैसे विवेकानंद, वीर शिवाजी, सभी गुरु के सानिध्य में एक बहुमूल्य हीरे की तरह बने। मैं भी चाहती हूँ कि जब तुम जीवन में सद्गुरु पाओ तो अपने आप को ऐसा बनाओ जिसकी कीर्ति जन्म जन्मांतर तक अमर हो जाए। यह बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसका सदैव स्मरण रखना। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 लाख योनियां कट जाएगी। इसीलिए इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। अर्थात अगर तुम अपने जीवन में भगवान की इन बातों का स्मरण रख वैसा ही आचरण करोगे तो तुम्हारा यह जीवन धन्य हो जाएगा और तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। इति श्री गर्भगीता संपूर्णम् संपूर्णम् संपूर्णम्।